नमस्ते स्टूडेंट्स। सो फाइनली हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6, वर्क एनर्जी एंड पावर। उसका आज हम पार्ट 1 करने जा रहे हैं, दैट इज बेसिक इंट्रोडक्शन। मैं आपको ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि टेक्स्ट बुक में इसके स्टार्टिंग में ही डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। उसके बाद वर्क एनर्जी थियरम दिया हुआ है, बट आपको उसके पहले वर्क तो पता होना चाहिए, इसलिए मैं टेक्स्ट बुक से थोड़ा अलग टाइप से कराऊंगा, बट टॉपिक सारे टेक्स्ट बुक के कवर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि आगे पीछे होगा इन शॉर्ट, ताकि क्या हम पूरा डिटेल में कर सकें। बायोलॉजी वाले नीट में इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जेडब्ल्यूई वाले इसका यूज़ बहुत काम आता है, इवन आगे आपको 12th में। सो प्लीज़ 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 अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, ध्यान से समझिएगा, डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क। बेसिकली व्हाट इज वर्क? Work is said to be done whenever a force acts on a body and the body moves through some distance. ये ब्लॉक रखा हुआ, यहाँ पे एक इंसान इसको धक्का मार रहा, ये ब्लॉक हिल ही नहीं रहा, बट थोड़े टाइम के बाद एक और बंदा आया, वो थोड़ा हैवी बॉडी बंदा है, वो इसको धक्का मार रहा है, तो इधर से जाके वो इधर गया। तो पहला बंदा है वो अपनी एनर्जी यूज कर रहा है, एनर्जी यूज कर रहा है मतलब कि वो धक्का दे रहा है, बट बॉडी मूव नहीं हो रही है, तो उसको हम क्या बोले, वर्क तो नहीं किया। बट ये बंदा यहां से यहां पे उसने मूव करवाया ब्लॉक, तो इसको हम बोलेंगे भाई इसने वर्क किया, मूव बाय अ डिस्टेंस, थ्रू सम डिस्टेंस, और वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है और उसका मूवमेंट भी देखो इस डायरेक्शन में हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये बेटा ये छोटी छोटी सारी चीजें याद रखनी है, एमसीक्यू में ऐसे ही आएंगे, कॉन्सेप्ट ऐसे ही होते हैं। Thus, work is done on a body if the following two conditions are satisfied. Number one, a force acts on a body, force act हो रहा है, और number two, the point of application of the force moves in the direction of force. मतलब जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स के डायरेक्शन में मूव होना। Example, work is done when a horse pulls a cart, an engine pulls a train, or a man goes up a hill. ऊपर जाता है इंसान, तो वो भी क्या कर रहा है, वर्क डन ही कर रहा है। कैसे वर्क डन होता है, क्यों होता है, वो हम समझेंगे। क्लियर हुआ बेटा? पक्का? चलो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब पहला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखो यहाँ पे फोर्स, देखो ये है पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, थोड़े टाइम के बाद फोर्स लगाने में वो यहाँ पे पहुंच गया, मतलब उसने डिस्टेंस, हमेशा मेजर हम सेंटर से करते हैं बेटा, यहाँ से नहीं करा जाता, सेंटर से। उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, एस। तो एज शोन इन द फिगर, फोर्स एफ डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस एस, तो उसका वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव, मतलब डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। मोस्ट एमपी फॉर्मूला वर्क डन का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, ओके लिख लिया बेटा सबने। अब दूसरा केस, सर मान लो कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना कि हम फोर्स उसको उसी डायरेक्शन में, थोड़ा एंगल पे लगा रहे हो, तो मेजरमेंट ऑफ वर्क डन व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंक्लाइन टू ईच अदर। देखो फोर्स ऐसे, आप ये एक मान लो, ये एक बॉडी है इतना बड़ा, अब ये ब्लॉक है, एक बंदा है, वो इधर की जगह पे ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा है ऐसे। कभी ऐसा होता है ना, हम खड़े रहते हैं तो स्ट्रेट की जगह पे हम बहुत ही फोर्स करते हैं, तो हम थोड़ा सा बैंड हो जाते हैं और फोर्स लगाते हैं, तो क्या उससे ब्लॉक ऊपर उठेगा बाहुबली की तरह? ना। फोर्स का आपका डायरेक्शन ये है, ये डिस्प्लेसमेंट का, बॉक्स तो सीधा ही जाएगा, तो इसलिए देखो ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ये फोर्स का डायरेक्शन, तो कितना एंगल बना रहा है बेटा, वो थीटा एंगल बना रहा है। दिख रहा है बेटा आपको ये थीटा एंगल? ये थीटा एंगल सबको दिख रहा है ना बेटा? ठीक है, तो बॉडी इतना डायरेक्शन मूव हुई, तो ये थीटा एंगल है, तो आपको पता है फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा। ये एफ साइन थीटा ऊपर तो जा नहीं रहा है, फोर्स तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, दैट इज इस डायरेक्शन में, तो देख लो जो डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में उसका फोर्स कंपोनेंट, तो उसका फोर्स कंपोनेंट उस डायरेक्शन में कौन सा है, एफ कॉस थीटा। फोर्स कंपोनेंट उस डायरेक्शन में उसका क्या है बेटा, एफ कॉस थीटा, तो हम फोर्स को उस डायरेक्शन में क्या लेंगे, उसको हम फोर्स को लेंगे एफ कॉस थीटा। तो वर्क डन जब एंगल बनाता हो, तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कौन सा, एफ कॉस थीटा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब एफ कॉस थीटा इनटू एस, एफ एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा मतलब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट होता है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस बी
होता है। तो सर पहले का फॉर्मूला तो सिर्फ W इज इक्वल टू एफ एस था, क्यों? बिकॉज एफ ये डायरेक्शन था और एस ये डायरेक्शन था, थीटा दोनों के बीच में क्या था बेटा? जीरो। तो कॉस जीरो कितना होता है? कॉस जीरो होता है वन, इसलिए वो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ा। दस वर्क इज डन, वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, हेंस वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क का कोई वर्क का डायरेक्शन नहीं होता, समझ लो डायरेक्शन किसका होता है? फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, बट दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर नहीं। ओके बेटा चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब नेचर ऑफ वर्क डन, वर्क डन कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव वर्क डन कब होता है? इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैज अ कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, देन द वर्क डन बाय द फोर्स इज नोन एज पॉजिटिव, एज शोन इन द फिगर। व्हेन थीटा इज एक्यूट, कॉस थीटा इज पॉजिटिव। देखो थीटा एक्यूट है क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90, तब वहां पे कॉस थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब वर्क डन भी क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स का भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव नहीं हो सकता। हो सकता है बट डिस्प्लेसमेंट और फोर्स यही डायरेक्शन में लग रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव। वॉल एंड सॉल्व किस पे डिपेंड करेगा? कॉस थीटा। ठीक है बेटा, उसका एग्जाम्पल, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी देन द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। देखो ऊपर से आप फेंक रहे हो तो आपके वर्क डन की बात नहीं है, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, तो ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क डन। व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट द अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। हॉर्स आगे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे हो रहा है, मतलब पॉजिटिव। व्हेन अ गैस फिल्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन इज अलाउड टू एक्सपांड द वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव बिकॉज द फोर्स ड्यू टू गैस प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट एक्ट इन द डायरेक्शन सेम डायरेक्शन। गैस फिल्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन, पिस्टन आगे पीछे मूव होता है तो गैस के कारण वो पिस्टन जो मूव होगा वो क्या होगा? वर्क डन उसका पॉजिटिव होगा। व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बोथ द स्ट्रेचिंग फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। आप खींच रहे हो तो आप खींच इस डायरेक्शन में रहे हो और उसका डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन इज पॉजिटिव। बराबर है, पक्का? ओके। अब हम बात करते हैं नेगेटिव वर्क डन की। तो इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी हैज अ कंपोनेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देन द वर्क डन इज नेगेटिव एज शोन इन फिगर। देखो धक्का उस साइड मार रहे हो, मोशन उस साइड हो रहा है बट फोर्स पीछे लग रहा है। बेस्ट एग्जांपल उसका फ्रिक्शन। अब धक्का आगे लगा रहे हो तो बॉडी मूव आगे होती है तो फ्रिक्शन हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, तो वहां पे थीटा क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा। थीटा ऑब्ट्यूज मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 90। तो कॉस तब कॉस थीटा क्या होगा? लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 नहीं नेगेटिव होगा। ग्रेटर देन 90 मतलब कॉस थीटा क्या होगा? नेगेटिव होगा। समझ में आया बेटा? पक्का कॉस थीटा होगा नेगेटिव। कॉस थीटा नेगेटिव मतलब वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल सी बात समझिए, फ्रिक्शन देख लो ना, आप जा रहे आगे रहो बट फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। उसका एग्जांपल, व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स अगेन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इट्स डिस्प्लेसमेंट इज ऑपोजिट टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हो गया। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, आपका मोशन आगे हो रहा है तो ब्रेक उसको पीछे खींच रहा है इसलिए तो गाड़ी स्टॉप होगी। दिस इज बिकॉज द ब्रेकिंग फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट एक्ट इन ऑपोजिट। व्हेन बॉडी इज लिफ्टेड, बॉडी इज लिफ्टेड तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की जगह बट बॉडी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव एंड व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव टुवर्ड्स द अनदर पॉजिटिव चार्ज, अनदर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? वर्क डन बाय द रिपल्सन। हम उसको लेफ्ट साइड जा रहे हैं बट रिपल्सन उसका डिस्प्लेसमेंट इस साइड होगा, फोर्स इस साइड लेके रहे बट डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है, ओके। तो ये आप नेगेटिव नेगेटिव में भी अप्लाई कर सकते हो, समझ रहे हो? ये सारे उसके चार एग्जाम्पल्स। आई होप आपको ये एग्जाम्पल्स ईजिली समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब जीरो वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो वर्क किसके कहते हैं? जीरो वर्क, वर्क डन बाय अ फोर्स इज जीरो इफ द बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्लेटफॉर्म। देखो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, मान लो फोर्स भी लगा रहे हो, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा।
आप मान लो फोर्स भी लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, बट अगर कॉस थीटा आपका जीरो हो जाएगा तो नेट वर्क डन जीरो हो गया। तो देयरफॉर कॉस थीटा कब जीरो होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 90। तो इसका मतलब हुआ कि इफ एफ एंड एस दोनों के बीच का एंगल 90 है तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। जो मैंने आपको समझाया, पता है ये ब्लॉक, ये उसका क्या होगा एफ साइन थीटा और ये उसका एस, दोनों देखो है ना, दोनों का डायरेक्शन क्या है अलग अलग, क्लियर हो गया। तो अलग अलग मीन्स 90 डिग्री। उसका बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, देखो फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ सेंट्रिपिटल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर ईच अदर। सेंट्रिपिटल फोर्स इधर होता है, मोशन इस साइड होता है, दोनों के बीच में एंगल देखो कितना है 90 डिग्री। सो द वर्क डन बाय द, इस केस में सेंट्रिपिटल फोर्स का वर्क डन जीरो होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स इस बॉडी पे जीरो वर्क डन करता है। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, व्हेन अ कुली वॉक्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, मुझे कुली वाला फिगर नहीं मिला, मतलब मान लो कि इंसान ठीक है, और लोड ऑन हिज हेड, हेड मतलब वो फोर्स ऊपर लगा रहा है, बट वो बढ़ तो आगे रहा है, ऊपर फोर्स लगाने से वो ऊपर तो नहीं चला जाएगा, वो आगे बढ़ रहा है, फोर्स ऊपर साइड, उसका डिस्प्लेसमेंट आगे साइड, अप्लाइड ऑन इट इन द अपर डायरेक्शन इज इक्वल टू इट्स वेट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दस द एंगल बिटवीन एफ एंड एस इज 90 डिग्री। सो डब्ल्यू इजिकल एफ एस कॉस 90 इजिकल जीरो, दैट इज वर्क डन बाय द कुली ऑन द लोड इज जीरो। तो आप बोले सर तो हम कुली को पैसा किस नाम का देते हैं, वो कुछ काम तो नहीं कर रहे हैं। ट्रू, आप एक जगह से दूसरी जगह पे उठा के चला जा रहा है तो वर्क डन बाय कुली जीरो, क्यों, बिकॉज वो अपने माथे पे ऊपर लेके जा रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, दोनों के बीच में थीटा 90। तो आप भाई जाके फिर उधर बोलना मत कि आपने वर्क डन जीरो किया इसलिए हमें एक भी पैसा नहीं देंगे, एक चमाट खींच के मारेगा आपको, ठीक है। फिजिक्स में उसके कारण वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तीसरा बेस्ट एग्जांपल पेंडुलम का, एज शोन इन द फिगर टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, टेंशन तो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लगेगा एंड उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमेशा टेंजेंशियल होगा, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, जीरो। सो वर्क डन बाय द टेंशन इन द पेंडुलम, देखो बेटा एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्क डन बाय किसके कारण, वर्क डन बाय कुली इज जीरो, वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो, वर्क डन बाय सेंट्रिपिटल फोर्स इज जीरो, वर्क डन बाय जीरो, ये समझना। ओके पक्का, देखो ये एग्जांपल दे रहे जीरो वर्क का, पहले तो बंदा फोर्स लगा रहा है, मैं दीवार पे फोर्स लगाऊंगा क्या, दीवार मूव होगी तो मैंने क्या कुछ वर्क डन नहीं किया। हाँ सर आपने फिजिक्स के अकॉर्डिंग कुछ वर्क डन नहीं किया तो मैं क्यों एग्जॉस्ट हो गया, आपकी एनर्जी यूटिलाइज होगी। दूसरा, ये कोई भी बंदा अगर कोई भी हैवी चीज को ऊपर उठा के लेके जा रहा है तो उसका वर्क डन बाय द कुली, क्योंकि उसका फोर्स नीचे लगेगा, वेट उसका नीचे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट आगे होगा, तो जीरो। और तीसरा, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट तो उसका सेंट्रिपिटल फोर्स के कारण उसका वर्क डन हमेशा जीरो, ठीक है। ये रहा तीन, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन का जब एंगल क्या होगा बेटा, 90 से कम, याद रख लो बहुत काम का है, 90 से कम, जब एग्जैक्ट 90 तो जीरो, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, और 90 से ज्यादा तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, लेस देन जीरो हो जाएगा। डन, आगे बढ़े बेटा, पक्का। सब बेटा डायमेंशन ऑफ वर्क क्या होता है, तो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू और डिस्टेंस का एल, तो डब्ल्यू का डायमेंशन क्या होगा, एम एल टू टी माइनस टू, याद रख लेना, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ वर्क। उसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो पहला एसआई यूनिट उसका जूल है, ये उसका एसआई यूनिट है, ये उसका सीजीएस यूनिट है। वन जूल मतलब देखो फोर्स का 1 न्यूटन, डिस्टेंस का 1 मीटर, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। अर्ग क्या होगा, उसका सीजीएस यूनिट होगा, 1 अर्ग इज इक्वल टू, सीजीएस यूनिट में फोर्स का होता है डायन और डिस्टेंस का होता है सेंटीमीटर, तो डायन इंटू सेंटीमीटर। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में आपके पास वो जो वर्क डन होगा वो अर्ग में दिया होगा, आपको उसको जूल में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्ग, 1 जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्ग, तो 1 अर्ग इज इक्वल टू कितना होगा, 1/10^7 जूल, दैट इज 1 अर्ग इज इक्वल टू 10^7
माइनस सेवन टू, क्लियर हो गया। आगे बढ़े, लिख लो बेटा जल्दी से, और किसके नाम पे है, क्या है, तो ब्रिटिश फेमस साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, जूल, उसके नाम पे रखा गया। वन जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर। ऐसे ही वन डैन का वर्क एक सेंटीमीटर पे लगेगा तो उसको वन अर्क बोलते हैं। ओके, अभी वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मतलब मान लो कि अगर उसको, आपको पता है कि कोई भी चीज होती है उसको थ्री डायमेंशन में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये मेरा फोर्स है, एफएक्स आई कैप, एफवाई जे कैप, एफजेड के कैप, मतलब उसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, और एस को भी क्या बोलते हैं, एसएक्स आई कैप, एसएक्स वाई कैप, एस बाय जे कैप एंड एसजेड के कैप। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट दोनों का, तो इसका डॉट इस दिस डॉट दिस दोनों का डॉट प्रोडक्ट, एफएक्स आई कैप इनटू एसएक्स आई कैप, मतलब एफएक्स आई एसएक्स। तब लोग सर एफएक्स इनटू एसवाई क्यों नहीं लिखा, बिकॉज आई डॉट जे क्या होता है, जीरो। सिमिलरली आई डॉट के भी जीरो, मतलब वाई वाई के साथ, जेड जेड के साथ, तो ये उसका फॉर्मूला है। इस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको इजीली पता चले, ठीक है बेटा, पक्का। चलो पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन इज होल्डिंग अ बकेट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। आप अपने आप को इमेजिन करो, बकेट 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई, ही मूव्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा चला, एंड देन क्लाइम्स अप अ वर्टिकल डिस्टेंस, फिर वो 10 मीटर ऊपर चढ़ा वर्टिकल डिस्टेंस, फाइंड द टोटल वर्क डन बाय हिम। तो सबसे पहला पार्ट, तो फोर, सबसे पहले हम किसके लिए, फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए बात करेंगे, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। आपको पता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, वर्क फोर्स नीचे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट आगे होगा, तो देयरफॉर वर्क डन उसको वन नाम देता हूं। अब हम बात करते हैं फॉर वर्टिकल मोशन की, फोर्स तो वो 10 न्यूटन ही लगा रहा है, ओके, एंड डिस्टेंस एस कितना ट्रैवल किया, 10 मीटर, तो देयरफॉर, और थीटा कितना हो जाएगा, थीटा कितना होगा बेटा, थीटा जीरो होगा, क्यों, मैं उसका रीजन बताता हूँ। आप बोलोगे सर जीरो कैसे होगा, तो फॉर वर्टिकल मोशन आप फोर्स भी ऊपर लगा रहे हो, देखो ना बोला है वर्टिकल फोर्स, अप्लाइंग फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स बकेट पे अप्लाई कर रहा है वो, तो फोर्स भी ऊपर लगा रहे हो और आप जा भी ऊपर रहे हो, तो दोनों के बीच में थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। देयरफॉर डब्ल्यू टू इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा, सो 10 इंटू कॉस जीरो डिग्री, मतलब ये हो गया 100 जूल। Therefore, total work done is equal to W1 plus W2, 0 plus 100, so कितना आएगा 100 जूल। सिंपल बेटा, आगे बढ़ें। नेक्स्ट देखो तो क्या दिया हुआ, अ साइक्लिस्ट कम्स टू अ स्किडिंग स्टॉप, स्किडिंग स्टॉप मतलब ऐसा आवाज आता है ना ऐसा 10 मीटर में, ड्यूरिंग द प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रॉड, फोर्स 200 न्यूटन है, एस इज इक्वल टू 10 मीटर है, थीटा कितना आएगा 180 डिग्री, क्यों, फोर्स आगे, फोर्स इस साइड लग रहा है उसका स्टॉप लगाने के लिए, और उसका मोशन आगे होगा, ऐसा तो नहीं फोर्स लगाया और सीधा वो पीछे चला जाएगा। हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल, देखो क्वेश्चन समझने का है, सबसे पहला वर्क डन बाय रॉड ऑन द साइकिल, रॉड साइकिल पे वर्क कर रहा है, रोड साइकिल पे वर्क कर रहा है, इसलिए साइकिल स्टॉप हो रही है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा, तो कितना होगा 200 इंटू 10 इंटू कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 कितना होता है पता है बेटा, माइनस 1, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 2000 जूल। अब दूसरा वर्क डन बाय साइकिल ऑन रोड, W इज इक्वल टू जीरो, क्यों, साइकिल जितना भी फोर्स लगाएगा रोड डू नॉट गेट डिस्प्लेस्ड, रोड तो उधर का उधर ही रहेगा ना, रोड ने तो मोशन ही, आप माइनस, बहुत सारे स्टूडेंट माइनस 2000 की जगह प्लस 2000 लगाएंगे, क्यों, क्योंकि उल्टा है ना, रोड साइकिल पे और साइकिल रोड पे, तो बेटा समझो
एक सिंपल सी बात है, फोर्स नो डाउट इक्वल होगा, फोर्स होगा माइनस 200, बट डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं। क्या मूव हो रहा है? मुझे एक साथ बात बताओ, आप रोड पे फोर्स लगा रहे हो तो रोड मूव हो रहा है? नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो उसको कैसे बोलेंगे कि भाई आपने रोड पे कितना काम किया? कुछ नहीं किया सर मैंने तो, रोड ने मेरे पे काम किया, मैंने तो उस पर कुछ काम नहीं किया, बस दैट्स इट। समझ में आ गया? ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रख लीजिएगा। तीसरा, ये देखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला कॉन्सेप्ट आ गया। चलो सॉल्व करते हैं। हमारे पास f कितना है, i कैप प्लस y j कैप प्लस 7 k कैप, और s हमारे पास कितना है, 6 i कैप प्लस 9 k कैप। देयरफॉर हमें वर्क फाइंड करना है f डॉट s। f हमारे पास क्या है, i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 7 k कैप डॉट 6i कैप प्लस 9k कैप। तो वर्क डन, i इंटू 6i 6, j इंटू कुछ है ही नहीं मतलब 0, 7 इंटू 9 7 9 जा 63, तो w इज इक्वल टू 69 न्यूटन मीटर, या उसको हम क्या बोल सकते हैं, 69 जूल। बराबर बेटा, कुछ भी डाउट? आपको ये सारी चीजें बेटा हमने लोअर स्टैंड में पढ़ी, इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए i i के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, i डॉट k जीरो होता है, j तो इधर है ही नहीं इसलिए वो जीरो हो जाएगा। i i हमने अभी देखा ना, fx into sx, fy into sy, sy नहीं मतलब जीरो, fz into sz हो गया। समझे बेटा? ओके, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। व्हाट इज मीन बाय वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स? तो अभी जितना भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, उसमें कंटिन्यूस हम वर्क वही एक टाइप का वर्क कर रहे हैं। अब मान लो कि थोड़ा आगे जाके वर्क चेंज किया, थोड़ा आगे जाके वर्क चेंज किया, थोड़ा आगे जाके कंटिन्यूस सेम वर्क नहीं है। सो वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, सपोज अ वेरिएबल फोर्स एफ, वेरिएबल फोर्स मतलब जो डिस्टेंस के साथ और टाइम के साथ चेंज हो, उसे अलोंग अ फील्ड फिक्स डायरेक्शन से एक्स एक्सिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एफ डिपेंड्स ऑन एक्स एज शोन बाय द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। देखो ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक्स पे डिपेंड करता है, जितना आप आगे जाओगे वो फोर्स चेंज होता जाएगा। लेट अस कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द बॉडी मूव्स फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन एक्स आई टू द फाइनल पोजीशन एक्स एफ अंडर द एफ। मतलब मान लो कि हमारी इनिशियली बॉडी, मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत डिटेल में समझा बेटा, ये हमारी इनिशियल बॉडी इधर है और फाइनली इधर पहुंच जाती है, तो इधर से इधर उस पर कितना वर्क डन हुआ। अब देखो एक तो बात समझ रहे कि उसका पहले पोजीशन ये था, अब पोजीशन ये हुआ तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो हुआ। हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, और डिस्प्लेसमेंट जब भी होता है तो वर्क डन होता है। बढ़िया सर, परफेक्टली समझ में आ गया। व्हाट अबाउट फोर्स? फोर्स आप देखो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो इसलिए आप क्या करो पता है बेटा, फोर्स को आप मान लो, हमने लिमिट्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको इजीली आइडिया होगा, ये आप ऐसे कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई कर रहे हो यहां से लेके यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक आप क्या करो पता है, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर दो, छोटे छोटे पार्ट्स में। ये जो छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइड करो, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये छोटा पार्ट, ये सारे, और वो भी सारे एडजेसेंट है बेटा, ये सारे पार्ट्स एडजेसेंट होंगे। एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह, ऐसे ऐसे मैं इतने तो काउंट किए तो मेरे 20 कुछ आसपास हुए, बट आप उसको n स्मॉल रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर दो, जिसकी सबकी विड्थ dx फिक्स होगी। देख लो dx, डेल एक्स, डेल एक्स विड्थ मान लो, डेल एक्स विड्थ मान लेते हैं, डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स, सबकी हाइट चेंज होती रहे, बराबर है? बराबर, इतना क्लियर हुआ? तो एक छोटा सा ये ब्लॉक, एक छोटू सा ये ब्लॉक है, उसके कारण वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू, फोर्स तो अप्लाई हो रहा है उतना ही हमें पता है, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डेल एक्स, ये उसका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब इन शॉर्ट ये हो गया उसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। देखो ना यहाँ पे डायग्राम में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया ताकि आपको अच्छे से क्लियर पड़े। देखो ये रहा डेल एक्स, फोर्स उसका एफ, तो एफ इंटू डेल एक्स, तो वो कितना हो गया, एरिया ऑफ ए बी सी डी हो गया। तो ऐसे आप उसको छोटे 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 रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट
कन्वर्ट कर दो और उन सबको ऐड कर दो, उन सबको ऐड कर दोगे तो आपको फाइनली आपको मिल जाएगा वो। बराबर है, कैसे ऐड कर सकते हैं? तो देखो ये रहा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एडिंग एरियाज ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इन फिगर ए, वी गेट द टोटल वर्क डन एज ये रहा समेशन एफ इनटू डेल एक्स। डेल एक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एक्स आई से लेकर एक्स एफ, चेक कर लो ना बेटा, ये रहा एक्स आई से लेकर एक्स एफ यहाँ तक स्टार्ट हो रहा है। तो सम ऑफ ऑल एरियाज ऑफ रेक्टेंगल इरेक्टेड ओवर ऑल द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जितना उसका डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में जितने भी रेक्टेंगल है उनका एरिया सबको ऐड करना। बट रियलिटी में क्या होता है पता है? रियलिटी में प्रॉब्लम ये है कि देखो ये इतू सा पार्ट आपको दिख रहा है बेटा, ये इतू सा पार्ट, ये इतू सा पार्ट, ये इतू सा पार्ट, ये इतू सा पार्ट खाली रह जा रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम ये रेक्टेंगल की साइज जो है ना वो छोटी कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? रेक्टेंगल की साइड काफी छोटी कर देंगे। कितनी छोटी कर देंगे? कि डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। डेल एक्स टेंड्स टू जीरो मतलब इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल मतलब उसमें फिर इनफाइनाइट छोटे छोटे रेक्टेंगल्स हो जाएंगे। जब आप इनफाइनाइट छोटे छोटे रेक्टेंगल कर दोगे तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो समेशन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इंटीग्रेशन में। हमने पढ़ा है लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो तो डेल एक्स डेल वाई बाय डेल एक्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स में। बट अगर लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो आपका समेशन एक्स आई से लेके एक्स एफ एफ डेल एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटीग्रेशन एक्स आई से लेके एफ एक्स एफ डी एक्स, ये देखो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। दैट इज एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, ये देख लो ना बाजू वाला फिगर उसका ये रहा, ये इसमें कन्वर्ट हो गया बिल्कुल। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन वेरिएबल का एक्स आई टू एक्स एफ एफ डी एक्स, बराबर है। बट एक्स आई और एक्स एफ की जगह पे हम उसको हम क्या मानते हैं? हम उसको डिस्प्लेसमेंट मानते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब एस वन और एस टू, एस वन टू एस टू एफ डी एस कॉस थीटा, मान लो कि अगर वो थीटा फोर्स लगा रहा तो, और वो हो जाएगा एफ डॉट डी एस। ओके, कुछ भी डाउट बेटा? ये उसका मेन फॉर्मूला है। चलो इसके रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का लिए हमारे तीन न्यूमेरिकल्स हैं इसके, जिससे आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहला ये रहा देखो, अब ये क्वेश्चंस काफी सिंपल है। क्यों पता है? इसमें देखो कर्व आपका टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। आपको क्या फाइंड करना है? बॉडी मूव फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स वेरिंग इन मैग्नीट्यूड, ए से लेके के तक अलग फोर्स, के से एल अलग फोर्स, एल से एम अलग फोर्स और एम से बी अलग। ऑब्टेन द वर्क डन and force is expressed in newton and displacement in meter. चलो calculate करते हैं। तो सबसे पहले total work done between A to B क्या होगा? तो सबसे पहले 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 and 4 से 5. सिंपल सी बात है ना। अब 1 से 2 क्या होगा? 1 से 2 मतलब एरिया अंडर AP. सॉरी एक एक प्लस टू से थ्री मतलब एरिया अंडर केएल, प्लस थ्री से फोर मतलब एरिया अंडर एलएम, प्लस फोर से फाइव मतलब एरिया अंडर एमबी। बट जो लास्ट केस है ना बेटा उसमें प्लस की जगह पे क्या आएगा? माइनस आएगा, क्योंकि वो नीचे के साइड है मतलब उसमें फोर्स नेगेटिव लग रहा है। समझ रहे हो? फोर्स नेगेटिव लगेगा, ऊपर साइड फोर्स पॉजिटिव, नीचे साइड नेगेटिव। तो एरिया अंडर ए के क्या होगा? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल होगा ना। तो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ उसकी कितनी है? देखो लेंथ है 10 और ब्रेथ है 1, क्योंकि 10 इंटू 1 प्लस एरिया अंडर के एल। देखो तो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पहली साइड 10 और दूसरी साइड 15, तो 10 प्लस 15 इंटू ब्रेथ उसका 1 प्लस एरिया अंडर एल एम ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 1 इंटू हाइट, हाइट कितनी है उसकी एल एम देखो कितनी है 15 और माइनस एम बी, ये भी क्या होगा? हाफ इंटू बेस 1 और हाइट कितनी है उसकी 15। तो मतलब ये और ये तो दोनों सेम हो गए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब लोग सर माइनस 15 ना, माइनस तो इसलिए तो हमने बाद में ले लिया ना, माइनस बाहर ही ले लिया पहले से। तो अब ये क्या हो जाएगा? 10
तो ये होगा 10 प्लस 15 25 बाय 2, सो 10 प्लस 12.5, इसका आंसर आएगा 22.5 जूल। कितना सिंपल था बेटा, था कि नहीं? आगे बढ़े, बढ़िया सा क्वेश्चन। अ वुमन पुशेस अ ट्रंक, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ओके। ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म व्हिच हैज अ रफ सरफेस, सी अप्लाइज द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, देयर आफ्टर सी गेट्स प्रोग्रेसिवली ट्राई। मतलब देखो, अब धक्का ऐसे लग रहा है, पुश कर रही है, ऊपर उठाया नहीं है, ब्लॉक है उसको पुश कर रही है। समझ रहे बेटा, पक्का? देयर आफ्टर सी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड एंड हर अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली with the distance to 50 newton. The total distance through which the trunk has been moved is 20 meter. Plot the force. Plot किया, देखो पहले क्या किया, 10 meter तक वो 100 newton का force apply कर रही है, देख लो 10 meter तक तो वो 100 newton का force apply, फिर वो थक तो जाएगा ना, कोई भी इंसान है तो धीरे 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 वो क्या होगा, उसका decrease होता जाएगा। Calculate the work done by the two forces over 20 meter. दो force क्या लग रहा है, तो ये जो ऊपर वाला फोर्स है वो वुमेन का है और नीचे वाला है वो फ्रिक्शन का फोर्स है। फ्रिक्शन का फोर्स देखो 50 न्यूटन है, ठीक है। तो अभी हमें टोटल वर्क डन ऑफ टू फोर्सेस, टोटल वर्क डन ऑफ टू फोर्सेस मतलब सबसे पहले हम किसके कारण फाइंड करेंगे, सो एट एक्स इज इक्वल टू 20 मीटर फोर्स हमारा कितना हो जा रहा है, 50 न्यूटन हो जा रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हमें टोटल वर्क डन फाइंड करना है, टोटल वर्क डन बाय दो अलग अलग फोर्स फाइंड करना है, टोटल वर्क डन बाय वुमेन। तो वो क्या होगा, ये वाला पोर्शन होगा इज इक्वल टू, उसको हम W मान रहे, W1। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी, क्योंकि तब तक वो फिक्स हो रहा है, फिर उसका धीरे धीरे कम हो रहा है, इसको मैं जी मानता हूँ और इसको मैं एच मानता हूँ। सो एरिया ऑफ सी एच जी डी या सी डी जी एच, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी तो वो तो रेक्टेंगल है आपका, तो लेंथ 100 इंटू ब्रेथ 10, सो 100 इंटू 10। ग्राफ से ही सब कुछ चेक करना है, और ये आपका पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम मतलब ये एच कितना है 50 न्यूटन पे, तो सम ऑफ पैरेलल साइड 100 प्लस 50, सो हाफ इंटू 100 प्लस 50 इंटू उसकी हाइट कितनी होगी, 10 होगी, सो 100 इंटू 10 1000 प्लस, ये कट कर दो, ये हो गया 5, ये 150 इंटू 5 कितना होगा 750, तो आंसर आएगा 1750 जूल। और दूसरा जो फोर्स है वो किसके कारण है, फ्रिक्शन के कारण, वो ए, ये जी एच इसको नहीं ले सकते क्योंकि जी एच ऑलरेडी हमने फ्रिक्शन वाला ले लिया, तो इसको हम मान लेते हैं के और एल, तो क्या होगा सी के, ये हो जाएगा सी डी एल के। अब किसके कारण, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, उसको मैं डब्ल्यू टू मानता हूं। तो वो क्या होगा, एरिया अंडर चेक करो बेटा, ए जी एच एल, ए जी एच एल, वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ उसकी कितनी है 20 और ब्रेथ उसकी कितनी है माइनस 50, क्यों माइनस 50, नीचे है 50 तो माइनस 1000, खत्म हो गया, कितना सिंपल था, ओके। और फाइनली आज के लिए लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, पार्टिकल मूव अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू 5 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, फोर्स कितना दिया हुआ है 7 माइनस 2x प्लस 3x, ये हमारे पास फोर्स दिया हुआ है, देयरफॉर वर्क डन का। अब देखो ये वेरिएबल फोर्स होगा, देखो फोर्स यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं है, 10 न्यूटन 20 न्यूटन 30 न्यूटन, यहाँ पे फोर्स जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है ऐसे ऐसे फोर्स चेंज हो रहा है। यहाँ पे हम एक ही फॉर्मूला लगाएंगे x1 से लेके x2 f.dl, बराबर है, तो x1 0 से स्टार्ट होके कहाँ पे जा रहा है 5 तक, f कितना है मेरा 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, ओके 7 का इंटीग्रेशन 7x, माइनस 2x का क्या होगा 2x स्क्वायर बाय 2, 3x स्क्वायर का क्या होगा बेटा 3x क्यूब बाय 3 एंड 0 टू 5,
थ्री और थ्री कैंसिल, टू और टू कैंसिल, ये 7x माइनस क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब 0 to 5। आपको पता होना चाहिए बेटा x माइनस टू एज इट इज रहेगा, x इंटीग्रेशन जो भी पावर होता है वो प्लस हो जाता है और वही नीचे आएगा, तो प्लस वन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाय टू, एक्स स्क्वायर है तो पावर वन हो जाएगा, प्लस वन होगा तो पावर थ्री बाय थ्री, सब कुछ कट कर दो। ओके, तो अब इसमें लिमिट्स कैसे अप्लाई करते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो चलो अप्लाई करते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू अपर लिमिट कितनी होगी 7 × 5 एक्स इज ऑफ 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करो 7 × 0 माइनस जहां पे भी एक्स है उसकी जगह पे 0 पुट करने का, पहले क्या पुट किया 5 क्योंकि वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैंने फंडामेंटल पूरा डिटेल में करवाया तब उसमें था 35 माइनस 25 प्लस 125 और माइनस ये तो 0 क्योंकि सब 0 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 35 माइनस 25 10 प्लस 125 135। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, बहुत ही बेसिक्स हमने लिया है, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा एडवांस लेंगे, फेयर एनर्जी है, बहुत ही इजी चैप्टर है, मस्त वाला चैप्टर है, मजा आएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए, JEE और नीट दोनों में इसमें से बहुत सारा आता है, मैं डिटेल में कराऊंगा इसमें, अभी तक तो कुछ कट नहीं है, आगे जो कट होगा वो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, टेक केयर बेटा।